सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे कितनी देर हो गई है किरण बेटा, अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो। जी जी माँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, बस दो मिनट। बस इसके बस बस के चक्कर में ना कई बार हमारी बस छूट चुकी है दामाद जी। ये ऐसे वक्त लगाती कहीं जाने के लिए। अरे कुछ समझाओ अपनी बीवी को, वक्त की कदर करा करे। माँ जी, हमारे जाना वाकई में जरूरी है कि? अरे हाँ दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आपके पैर तो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या है ना बेटा कि दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती। पुलकित कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहे हैं। कल बताया था ना किरण की बहन की गोद भरे में जाना है आज। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे मतलब क्या? देखो पुलकित, जिन लोगों का हमारे साथ संबंध है उनका तुम्हारे साथ भी संबंध है। अगर किरण की माँ हमारी माँ जैसी है तो वो तुम्हारी भी माँ जैसी है। अगर किरण की बहन बरखा हमारी बहन जैसी है तो वो तुम्हारी भी बहन जैसी है। और वो बरखा को पति? देखो हमको जो कहना था हमने कह दिया, जाओ जाके तैयार हो जाओ। लो आ गई आपकी बेटी। चले माँ, कुणाल। बस एक बार पुलकित आ जाए। हाँ, कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, नजर ना लग जाए। कैसे हो? हेलो। हाँ भैया। अरे भैया भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। वो दरअसल वो एक घर का एक मसला हो गया है। अरे अरे तुम वहां कहीं जा रही हो किरण? वो बरखा को प्यास लगी है तो हमें बोल दो ना, तुम कहीं घुसे जा रही हो? अरे चाची आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? सगी बहन है हमारी। सगी बहन है तो सौतेली काहे बन रही है जी? मतलब हम समझे नहीं। लो अब तुम हमारे गले में उंगली डालकर उगलवाना ही चाहती हो तो हम भी कह ही देते हैं, माँ बनने वाली है तुम्हारी बहन और तुम्हारी कोख अभी तक सूनी है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा नहीं जन पाई अब तक तुम। अब ऐसे में तुम्हारा काला साया हमारी बहू पर पड़ जाएगा तो राम ही जाने का हो जाएगा। चाची शर्म आनी चाहिए आपको, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती मेरी बहन के साथ। और तुम हमारी चाची के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती? ला शर्म, क्या तुम शरबत नहीं घोल के पी गई हो? आपकी हिम्मत कैसे है हमारी बहन पर हाथ उठाने की?
हम चाहे जो करें, चाहे इसको थप्पड़ मारे या जान से मार दे, पत्नी है हमारे। अगर पत्नी है तो हाथ उठाने का हक मिल गया आपको। ओहो, आप लोग यहाँ गोद भराई के लिए आए ना, रीति रिवाज खत्म करो, दफा हो जाए यहाँ से। तो चल यहाँ से, तो चल हमारे साथ, तो यहाँ इस आदमी के साथ एक पल नहीं रहेगी और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल कोई मोबाइल फोन है जो जेब में डाले और लेके चल दिए, हैं? नहीं जाएगी कहीं पे। बरखा, ये आदमी भरोसा कर ले। लेके जा अपनी बीवी को। दीदी, आप रुक जाइए, मैं ठीक हूँ। किरण चलो। औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को मर्द समझते हो? अगर आइंदा हमारी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो थाने ले जाकर ये सारी मर्दानगी ना उतरवा देंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बांझ कहीं की। इसीलिए हम वहां जाना नहीं चाहते थे। अरे हमने तो पहले ही कहा था आपको। नसीब में ये आंसू लिखे हैं, हम बड़ा मुस्कुरा कैसे सकते? किरण, चाची गलत नहीं बोल रही थी कुराल। जिस औरत का बच्चा नहीं होता ना, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अरे चाची की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ उसके बच्चे से जुड़ी होती है। जिस औरत का बच्चा नहीं, कोई इज्जत नहीं, वो औरत नहीं कहलाती। और हम तो ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, हमें नहीं पीना पानी। देख, मेरी तरफ देख। समाज की ऐसी औरतों की बातों का बुरा नहीं लगाते, उनको दिल पर नहीं लगाते मेरी बच्ची। नहीं माँ, हमें माँ बनना है, हमें बच्चा चाहिए, हम माँ बनना चाहते हैं। बस एक बार अगर हमारी गोद भर जाएगी ना, तो हमारे हमारे सर से ये बांझ का कलंक हट जाएगा। हम माँ बनना चाहते हैं, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किरण, किरण उठो। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, हमें उठा तो दिया होता। अच्छा, हम आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता बना देते। बैठो 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 बैठो। माँ जी ने नाश्ता बना दिया है, हमने खा भी लिया है और डब्बा भी ले लिया है। तुम ठीक हो? जितने ठीक हो सकते हैं है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हम इस मुद्दे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम चलते हैं। बेटा, हम स्टेशन छोड़ दोगे? आप कहाँ जा रही हैं? अब बरखा की गोद भराई की रस्म खत्म हो गई, तो हमने सोचा चलो लखनऊ ही जाते हैं वापस। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ।
अरे तो आप भाई जी से बात कीजिए ना, आपको पैसा लेके भाग थोड़ी ना रहे हैं। भाग तो तू ऐसे भी नहीं सकता है, 4 घंटे की मोहलत देता हूँ। देखिए देखिए आप ऐसे मत कीजिए। 3 घंटे? अरे ये तो बहुत ज्यादती है। 2 घंटे? अरे नहीं नहीं आप रुकिए, हम कुछ करते हैं, आप रुकिए। अरे एक दिन रुक नहीं सकते क्या? अरे मौका मिलते चुरा लेंगे घर से पैसा। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर के पास ही हैं, आ जाते हैं, पैसे चुराने में मदद करते हैं। अरे नहीं नहीं आप मत आइए, हम कुछ करते हैं, आप मत आइए। जल्दी कर वरना हम कुछ कर देंगे। अरे कर तो रहे हैं कोशिश। किरण, किरण कहाँ हो? किरण, किरण कहाँ हो? किरण, 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 किरण प्लीज, क्या किया तुमने? किरण, किरण क्या रिपोर्ट है यादव? मैं 29 साल की औरत ही किरण, छत से लटकी हुई मिली पति को। कोई सुसाइड नोट? नहीं मैम। घर से कोई सामान गायब? नहीं मैम, इन लोगों का कहना है कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ। आप कौन? उनके पति। आप? छोटे भाई। यही रुके आप लोग। किसने देखा था बॉडी को पहली बार? इनके पति ने। पूछताछ की किसी से? नहीं मैम। चलो। किरण, 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 आप रुकिए। किरण मेरी बच्ची, छोड़ो मुझे मेरी बच्ची से। आप यहीं रुकिए। मेरी बच्ची को देखने दो मुझे, बच्ची के पास जाने दो मुझे। मेरी बच्ची के पास जाने दो मुझे। आपकी किरण चली गई माँ जी। मेरी बच्ची को सुबह तो देख के गई थी मैं। कौन? ये किरण की माँ है। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था ना? जी। आप लोग कहाँ थे? हम ऑफिस गए हुए थे और माँ जी सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गई थी। जब हमें पता चला तो हमने अपने भाई पुलकित और माँ जी को फोन करके बुला लिया था। आपकी बीवी किस बात से परेशान थी? भाभी का मूड तो कल से ही खराब था। क्यों? वो कल बरखा की गोद भराई थी, भाभी की छोटी बहन, वहां भाभी का बहुत बेइज्जती हुआ और बरखा के पति संजय के साथ में झगड़ा भी हो गया। वो क्या है ना कि किरण को बच्चा नहीं हो रहा था, इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी और बरखा के गोद भराई के रस्म में उसे बहुत ताने सुनने पड़े। वो कल से बहुत परेशान थी मैडम, हमने उसको लाल समझाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी और खुदकुशी कर लेगी। मैडम बरखा, बरखा मेरी बच्ची, बरखा किरण हमें छोड़ के चली गई बेटा। आप यहीं रुकिए प्लीज। आप लोग बॉडी के पास मत जाइएगा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये खुदकुशी का नहीं मर्डर का केस है, कोई खाना बनाते बनाते थोड़ी ना खुदकुशी करने की सोचेगा, आटा भी गीला है।
क्या लगता है डॉक्टर, खुदकुशी का मामला है? नहीं, गले पर दो नोट्स के निशान हैं, एक गला दबाने के, दूसरा लटकाने के। गला दबाकर हत्या की गई है, और हाँ, और उसके बाद बॉडी को लटकाया गया है जिससे गले की हड्डी टूटी है। और एक बात और, मरते वक्त ये महिला प्रेग्नेंट थी, इसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा था। डॉक्टर, लेकिन इसके परिवार वालों का ये कहना है कि इसने खुदकुशी इसीलिए की क्योंकि कभी माँ नहीं बन सकती। ये संभव नहीं है, ये महिला प्रेग्नेंट थी। माँ और बच्चे के रिश्ते पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना एक बच्चे के लिए उसकी माँ जरूरी होती है, उतना ही माँ के लिए उसकी औलाद। कहीं ना कहीं हर औरत में एक माँ और उसकी ममता छुपी होती है। किरण भी माँ बनने के लिए तरस रही थी। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब उसके दिल में अपनी औलाद के लिए दर्द नहीं उठता था। जब किरण की लाश मिली तो सबने यही सोचा कि हो ना हो उसने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस को इस बात पे पक्का यकीन था कि किरण का कत्ल हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि किरण मां बनने वाली थी। क्या ये आप क्या कह रही मैडम, किरण मां बनने वाली थी? अब आप ये मत कहिए कि आपको पता नहीं था कि किरण के पेट में 4 महीने का गर्भ था। इन दिनों उसने ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है साहब। मौत के एक रोज पहले वो अपने बच्चे के लिए तो तरस रही थी। यहाँ तक कि संजय के घर में भी उसी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सबको लगता था कि वो बांझ है। और किरण ने भी जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये किरण भी नहीं जानती थी कि वो माँ बनने वाली है? हो सकता है कि वो जानबूझ के ये बात छुपा रही हो। कुणाल वो ऐसा क्यों करेगी? शायद वो डर गई होगी साहब, उसकी कोक को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए उसने हम लोगों से ये बात छुपाई होगी। तो फिर किरण को तो खुदकुशी करने का कोई कारण ही नहीं था। अपने कोख में पलती हुई जिस बच्ची को वो दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी, वो खुद अपनी जान देकर उस बच्ची की जान तो नहीं ले सकती ना? मैडम, ये तो हमें भी नहीं पता कि उसने खुदकुशी क्यों की। ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। संजय, मैडम हो ना हो ये काम संजय का ही है। मैडम, संजय से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसीलिए अपने ऑफिस में उसकी नौकरी लगवाई थी हमने, और अपनी साली की शादी भी करवाई थी। मेरी कोई बहन नहीं थी मैडम, सारी ज़िंदगी एक बहन के लिए तरसते रहे, इसलिए अपनी साली बरखा को ही अपनी बहन मान लिया था हमने। लेकिन जिस तरह गिरगिट रंग बदलते हैं ना मैडम, उसी तरह से संजय ने भी अपने रंग बदलने शुरू कर दिए थे। हमने कोई रंग वंग नहीं बदला है, धोखेबाज तो कुणाल है। मैंने संजय को 2 लाख रुपये उधार दिए थे, और जब मांगे तो कहने लगा कि बिना दहेज की शादी की है, आपको तो इससे कहीं ज़्यादा रुपए मुझे देने चाहिए। और उसके बाद से वो बरखा को मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि किरण ने भी सबके सामने उसे कई बार डांटा। हाँ तो हमने अपने हक के पैसे लिए, शादी में एक ढेला नहीं मिला था हमें। हाँ, इतना घटिया आदमी है तू। हाँ, पुलिस सामने खड़ी है और दहेज की बात करेगा? हाँ, और क्या क्या किया तूने? हाँ, किरण का खून। ये आप क्या कह रही मैम, मैंने किरण दीदी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? अभी तो तुमने कहा कि कोई दहेज नहीं मिला और कुणाल अपना बकाया वापस मांग रहा था, और उसके बाद जब तुमने बरखा के ऊपर हाथ उठाया तो किरण ने तुम्हें पुलिस में ले जाने की धमकी दी, सही है ना? बरखा थप्पड़ मारे से। ये आप क्या कह रही हैं? बरखा थप्पड़ मारो। मैडम प्लीज, मेरे पति आप। बरखा थप्पड़ मार। इसमें हर बार गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। ये तुम्हें मारता पीटता गया और तुम चुपचाप मार खाते रहे, ऐसा क्यों? और सुन, अभी हम जा रहे हैं और वापस आएंगे सबूत के साथ, और इस बीच अगर तूने यहाँ वहां होने की कोशिश की ना तो तू देख लेना। यादव। यस मैम। नजर रखो इस पे। अरे माँ जी, ये बैग लेकर आप कहाँ जा रही हैं? जब तक बेटी जिंदा थी इस घर से हमारा रिश्ता था, अब आप ही बताओ दामाद जी, हम इस घर में कैसे रह सकते? हम जा रहे हैं अपने घर। माँ जी देखिए, बरखा को अभी आपकी जरूरत है। माँ जी, हम लोग संजय को सजा दिलवा कर रहे हैं, लेकिन बरखा को इस हालत में छोड़ के आप क्यों जा रही हैं? माँ जी, माँ जी आप रोइए मत। देखिए, हम कुछ भी कर लें लेकिन किरण को वापस तो नहीं ला सकते ना।
अगर आपको खुश रखेंगे तो हमको लगेगा कि हम किरण को खुश रख रहे हैं। नहीं नहीं दवा जी, हम कभी हम खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या है ना, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे किरण के बॉस की जिम्मेदार हम हैं, हम ही उसके मौत के जिम्मेदार। माँ जी आप कहीं मत जाइए, आइए ये बैग मुझे दीजिए, आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ, चलिए। मैंने संजय के बारे में बता दिया, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अपने ऑफिस में ही था। बाप के ऑफिस में? जी मैम, लोगों ने उसे वहां देखा था। तो फिर किसी को पैसे देके करवाया होगा? नहीं मैम, ऐसे किसी हिस्ट्री शेटर के साथ तो संपर्क में नहीं था। और कुछ? यस मैम, मैंने कुणाल, पुलकित और किरण के कॉल डिटेल्स निकाले हैं। पुलकित के नंबर पे मनोज प्रधान के कॉल्स आ रहे थे। मनोज प्रधान? यस मैम, छोटा मोटा गुंडा है वो, सट्टा लगवाता है और कई बार अंदर भी जा चुका है। ये पुलकित के बारे में पता करो। जी मैम, बाकी कुणाल के कॉल डिटेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, लेकिन किरण के कॉल डिटेल्स के अनुसार उसके नंबर पे किसी दीपक के कॉल्स आ रहे थे। मैंने दीपक के भी डिटेल्स निकलवाया है, वो लखनऊ में रहता है और एक हफ्ते पहले किरण के मोबाइल की लोकेशन के अनुसार वो लखनऊ में थी, दीपक के घर के आसपास 11 बजे से लेकर रात 2 बजे के बीच। और जिस दिन किरण की हत्या होती है, दीपक गोंडा में यहाँ किरण के घर के आसपास ही था। ये दीपक कौन है? दीपक? कौन दीपक? देखिए हम ऐसे किसी दीपक को नहीं जानते। हो सकता है शादी के पहले का कोई दोस्त हो? नहीं, हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कोई दोस्त था ही नहीं। हाँ, और अगर दीदी का वैसा कोई दोस्त होता तो वो मुझे जरूर बताती, लेकिन हाँ फोन आते थे उस दिन, गोद भराई के दिन भी बहुत फोन आए थे। दीदी, अरे आपका फोन कब से कमरे में पड़ा है, देखो तो कितने मिस कॉल आ गए हैं। रहने देना, उसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कब से बज रहा है, 10-12 मिस कॉल आ गए, देख तो रहो कौन है। आराम से, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो, कौन है ये? अरे कोई नहीं है, हमने कहा ना हम बाद में देख लेंगे, चल तू बाहर जा। हाँ हमने भी देखा था, भाभी किसी से चिपकर बात तो करती थी। बार बार हमें फोन कर रहे हो, कह दिया ना इस बार नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैडम कि हमारी पत्नी किसी से इतनी देर तक बात करे और हमें पता भी ना हो। हमें उसके हर दोस्त और हर सहेली के बारे में सब कुछ पता होता था, वो छोटी से छोटी बात मुझे बताती थी। छोटी से छोटी बात नहीं होकर अगर ये बहुत बड़ी बात हुई तो? दीपक और किरण के बीच आप कहना क्या चाहती है? मेरी पत्नी किरण का उस दीपक के साथ अफेयर होगा? देखिए कुणाल, 15 दिन पहले किरण लखनऊ गई थी और उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस के हिसाब से वो दीपक के घर पर रात को 11 बजे गई, 3 घंटे वहाँ बिताए और रात को 2 बजे वहाँ से निकली। देखिए मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। कुणाल, हमें तुम्हारी बीवी के निजी जिंदगी में झांकने की कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मर्डर का केस है और हमें शक है कि दीपक और किरण के बीच में कुछ था और उसके पेट में जो बच्चा हो वो दीपक का हो, तभी शायद उसने आपको बताया नहीं कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। कैसी बात कर रही हैं आप, मेरी पत्नी का खून हुआ है और आप उस खूनी को पकड़ने की बजाय मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगलियां उठा रही हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी वो लोकेशंस वगैरह क्या क्या, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती थी। हेलो, हाँ सर,
पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। आसपास पता करो दीपक का है। ओके मैम, तुम इधर चेक करो। जी सर, सर मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ, सीधा मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर, सर ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो सर, क्या हुआ? अरे बॉस का फोन था, कह रहे थे जब तक तुम्हारे खिलाफ खून की जांच नहीं हो जाती तुम ऑफिस नहीं आ सकते। ये जरूर तुम्हारे जीजा जी ने किया होगा, तुम्हारे जीजा जी को तो मैं देख लूंगा। कैसे हुआ ये सब? हम ऑफिस जा रहे थे और किसी ने हम पर हमला कर दिया। दिखने में कैसा था हमलावर? वो तो देख नहीं पाए क्योंकि उसने हमारे मुंह पर कपड़ा डाल दिया था। वारदात की जगह पर देखो अगर कोई सीसीटीवी कैमरा मिलता है तो। ओके मैम। आपको किसी पे शक हो? ना हो, ये काम उस संजय का ही है। अगर हमारे हाथ में होता ना तो उस कंपनी को जान से मार देते। ए, सबान सवाल की बात कीजिए। लेकिन ऐसे छुप कर वार नहीं करते हम। ओहो, छुप कर तो तुमने किरण को मार दिया। हमने किरण दीदी का खून नहीं किया, और उस कुणाल जैसे घटिया आदमी को तो कोई भी मार सकता है। उसने हमसे हमारी जॉब छीन ली, एक बार नहीं सोचा उसने, अब हमारी बीवी माँ बनने वाली, क्या खिलाएंगे हम उसे? बीवी की बड़ी चिंता है तुमको, वैसे तो मारते फिरते वैसे। हाँ यादव। हाँ मैम। इसे इतना तोड़ो कि ये सच बोल दे। सर मैम, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पति की नौकरी गई, इसलिए उसने अपने जीजा पे हमला कराया। कुछ वक्त दो, ये खुद ब खुद सच उगल देगा। और हमें तो ये भी शक है कि किरण का कत्ल भी इसी ने किया है। अगर आपको लगता है कि मेरे पति ने मेरी बहन को मारा है, तो मैं आपसे कहती हूँ आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मगर ये सच नहीं है, ये बेकसूर है। प्लीज मैडम। अच्छी लगी? अरे दीदी बहुत अच्छी लगी, पर इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? तेरी खुशियों के आगे ये बहुत कम है। अरे अगर हमारा बस चले ना तो दुनिया की सारी खुशियां तुझ पे निछावर करते। थैंक यू। बस एक लड़का ढूंढने में ना हमसे धोखा हो गया। नहीं दीदी, वो इतने भी बुरे नहीं है। अपनी पत्नी पर जो हाथ उठाता है ना, उससे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। बरखा छोड़ देना उसे। फिर छोड़कर क्या करे? अरे तू पढ़ी लिखी है, नौकरी कर, पैसे कमा, और हम भी तो है ना तेरी देखभाल करने के लिए। दीदी पैसे ही सब कुछ नहीं होते, इज्जत का क्या? गोंडा में रहते हैं हम, दिल्ली मुंबई में नहीं रहते कि पति को तलाक दे दिया और रह लिया अकेले। लेकिन बरखा और आप भी इतनी परेशानी से गुजर रही है, मुझे आप पर और बोझ नहीं बनना है। तो इससे तो मार खाते रहोगे। दीदी ये आ रहा है ना, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो? मैम संजय अड़ा हुआ है कि ना तो उसने कुणाल को पिटवाया था और ना ही किरण का खून किया है। मोटी चमड़ी है। एक बात और मैम, आपके कहने पर मैंने पुलकित के पीछे खबरी लगाए थे, और मैम उस खबरी का कहना है कि पुलकित ने मनोज प्रधान के पास सट्टा लगाया था और 10 लाख रुपए हारा भी था, तभी मनोज प्रधान उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। यस मैम, और दिलचस्प बात यह है कि पुलकित ने वो 10 लाख रुपए वापस भी किए हैं। हाँ, और ये पैसे कुणाल ने दिए होंगे? नहीं मैम, मैंने कुणाल के बैंक डिटेल चेक किए, कुणाल के अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले थे, लेकिन किरण के अकाउंट से पैसे निकाले गए थे।
किरण के अकाउंट से 10 लाख रुपए? यस मैम, ये पैसे उसके अकाउंट में 15 दिन पहले आए थे और किरण की हत्या से 2 दिन पहले ये पैसे निकल गए थे। जिस दिन किरण की मौत हुई थी और हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तब उसकी फैमिली ने तो ये कहा था घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है पुलकित। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मनोज भाई हमें जान से मार देते। तो तुमने अपने ही घर में चोरी की? हाँ सर। बस चोरी ही की या पैसों के लिए अपनी भाभी का कत्ल भी कर डाला? नहीं मैडम, हम तो जब वहाँ पैसे लेने गए। तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाभी, वो काम खत्म हो गया। क्या बात है, आप थोड़ा परेशान लग रही है। हाँ वो हमें ऐसा लग रहा है हमारे कमरे में कोई आया था। कुछ चोरी वोरी हुआ क्या? नहीं तो। भाभी सुनो ना, वो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है। तुम पैसे चुराने गए, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें देख लिया, तुम दोनों के बीच कहा सुनी हुई, तुमने उसका कत्ल कर दिया और लटका दिया उसे, ऐसे हुआ था ना? नहीं मैडम, हम तो वहां से पैसे लेकर चले गए थे। उसके बाद हमें बड़े भैया का फोन आया, उन्होंने हमें बताया था। सच बोलो पुलकित, क्या किरण को पहले से शक हो गया था? हाँ मैडम, मैं जानता था और मैं ये भी जानता था कि मुझे भाभी को बताना होगा, पर मुझे पता था कि भाभी समझ जाएंगी। और फिर वो पैसे भाभी के बैंक अकाउंट से निकाल के हम ही ने तो उन्हें दिए थे, और इस बारे में भैया को कुछ नहीं पता। चक्कर क्या उन पैसों का? मैं नहीं जानता मैडम। हाँ इतना जरूर पता है कि भाभी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था भैया को बिना बताए। और किरण ने ये तुम्हें बताया? नहीं, उन्होंने हमें नहीं बताया। हमने उन्हें वकील से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तो हमने जब उनसे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे भैया के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने पैसे की बात हमारे लवर किसी को नहीं बताई। और तुमने ये बात मान ली? उस समय में लगता था कि भाभी जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन अब लगता है कि वो पैसा लेकर अपने यार दीपक के साथ में भागना चाहती थी। यादव ये बहुत ज्यादा उलझते जा रहे हैं, मुझे ये किरण कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके घर वालों की सुनो तो ये कोई प्यार की देवी ममता की मूरत पता चलती है, और इसकी हरकतें तो देखो। यादव मुझे दीपक चाहिए, दीपक का पता करो। ठीक है मैं। लगता है कि उसके घर में कुछ हलचल हो रही है, उसकी खिड़की खुली हुई है। ठीक है मैम, दीपक का मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल उसके घर में अभी भी हो रहा है। दीपक के घर का सर्च वारंट निकालो। ताला तोड़ो, कोना कोना छान मारो, देखो कहाँ छुप के बैठा है। ओके मैम, तुम उधर चेक करो। मैम दीपक तो घर में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैम यहाँ पे भी कोई नहीं मिला। उसका इंटरनेट अब भी इस्तेमाल हो रहा है। मैम हो सकता है कि वाईफाई का पासवर्ड किसी और को पता हो और वो यूज कर रहा हो। राउटर ढूंढो। ओके मैम। यादव। यस मैम। लैन केबल देखो कहां जा रहा है। मैम ये तो अलमारी के पीछे जा रहा है। अलमारी हटाओ। ओके मैम, खोलो इसको। ओए, कौन है वहां पे? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगी। मैडम मैडम प्लीज प्लीज गोली मत मारना, गोली मत मारना प्लीज प्लीज। दीपक दीक्षित अपने घर पे छुप कर बैठा था। हाँ वो डर गए थे, लेकिन
सच कह रहे हैं, कुछ किया नहीं है मैंने। तूने क्या किया है क्या नहीं किया है वो हम देख लेंगे। हाँ, बिना मेडिकल की डिग्री के अपने घर में हॉस्पिटल खोल के रखा था तूने। हाँ, क्या करता है तू मेडिकल का सामान अपने घर पे रख के? बोल। मैं गैर कानूनी तरीके से गर्भ लिंग की जांच करता हूँ। तो बच्चे गिराता है तू? बच्चे गिराता है तू? बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चियां। किरण किस लिए आती थी तेरे पास? किरण और मैं बहुत पुराने दोस्त है, कॉलेज के वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। 17 दिन पहले क्यों आई थी किरण तुझसे मिलने? बोलेगा दीपक टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत 17 दिन पहले क्यों आई थी वो तुझसे मिलने? इस बार भी लड़की है। चिंता मत करो, बहुत थोड़ा सा दर्द होगा। किरण इस बार नहीं मान रही थी बच्चा गिराने की। इस बार मतलब कितने बार अपना बच्चा गिरा चुकी थी? हाथ नीचे कर। इससे पहले कितनी बार किरण ने अपना बच्चा गिराया था? 3 बार। क्या 3 बार वो अपने बच्चे गिरा चुकी थी? हाँ मैडम, लेकिन इस बार किरण जिद पे अड़ गई थी कि वो बच्चा नहीं गिरवाएगी। मैंने उसे बहुत फोन किया। मेरे एक भी फोन का वो जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने लखनऊ से गोंडा भी आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो किरण, तुम हमारी दोस्त हो इसलिए हम कह रहे कि हमारी। हमने तुमसे कहा ना कि हम बच्चा नहीं गिरवाएंगे। अगर अब तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की ना, पुलिस में जाके तुम्हारे बारे में सब बता देंगे। बात तो सुनो किरण। मैडम, मैं बहुत डर गया था इसलिए मैं वापस लखनऊ चला गया। किरण का कत्ल करके? नहीं मैम, मैंने किरण को नहीं मारा है। आप लोग प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए ना, मैंने कुछ। वो अकेले आती थी अपना बच्चा गिराने? नहीं। कौन आता था उसके साथ? कौन आता था उसके साथ? इस बार भी लड़की है। बेटियों को पालना कितना मुश्किल होता है हम ही समझ सकते हैं। 2 बेटियों को पालना, उनको पढ़ाना, उनकी अच्छी जगह शादी करवाना। किरण के ससुराल के लोग तो अच्छे थे, लेकिन संजय के घर वाले आज भी हमें दहेज के लिए ताना मारते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी किरण को बेटी हो, ताकि आगे उसे भी हमारी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़े। कैसी माँ है आप? जितनी बार किरण से अपनी बच्ची गिरवाएगी, हर बार आप उसके साथ थी। और कौन नहीं चाहता था कि किरण अपनी बच्ची को पैदा करे? अरे आओ कुनाल, आओ बैठो बैठो बैठो। तुम पर जिसने हमला किया ना, ये अतुल, ये पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल, और बहुत मारा हमने इसे। तब जाके बोल पड़ा कैसे तुमने इसे पैसे दिए थे खुद पर हमला कराने के लिए। क्यों कुनाल, क्यों कराया खुद पर ये हमला? मुझे डर था कि आप लोग दीपक तक कहीं पहुंच न जाए। हेलो दीपक, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। इसलिए आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैंने खुद के ऊपर हमला करवाया। तो तुम भी ये नहीं चाहते थे कि किरण अपनी बेटी को जन्म दे? वो माँ बनना चाहते, हमें बच्चा चाहिए कुनाल, हम माँ बनना चाहते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बार कह दिया तो समझ नहीं आती तुम्हारी? जब कह दिया कि लड़की नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों कुनाल, क्यों? अरे दुनिया आज कितनी आगे बढ़ गई है, लड़कियां कितना कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, उनका सहारा बन रही है। हमने 3 बच्चियों की जान ली है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है जो हम तुम दोनों की बातों में आ गए और हमने ये कदम उठाया।
लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं, हम हमारी बच्ची को मरने नहीं देंगे, हम हमारी बच्ची को नहीं गिराएंगे, और अगर आप लोगों ने हमसे जबरदस्ती करी ना तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे हमारी बच्ची के साथ। देखिए, हमने किरण को लाख समझाया लेकिन उसने एक ही रट लगा के रखी थी कि हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है। तो बरखा की गोद भराई के बहाने हमने उसे समझाने के लिए माँ जी को भी यहाँ बुला लिया लेकिन वो भी समझा नहीं पाई। तो हमने दीपक से कहा कि भाई तुम ही उसको समझाओ, लेकिन वो अड़ी रही। उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अरे तुम, हमें दो मिनट, तुम पुलकित के लिए नाश्ता बना रहे हो। पुलकित तो नहीं है। नहीं है? अरे लेकिन अभी तो यही था, कहाँ गया? पता नहीं, आओ हमारे साथ। लेकिन ये रुको उसको। अरे लेकिन आओ, दीपक आया था ना और तुमने उसकी बात नहीं मानी। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी कसम हमने सोच लिया है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और क्या करोगे, कहाँ जाओगे? बाबा की जमीन बेच दी है हमने, 10 लाख मिल गए हमें, हम हमारी बेटी को पाल लेंगे। और सब लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे। नहीं किरण, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम जल्दी जाग उठी आपकी ममता। हमें पता नहीं था कि इसने हमारे बेटे को मारा, हमें पता नहीं था। आपने भी तो अपनी बेटी को जीते जी मार ही दिया था। इसका मतलब किरण को वो 10 लाख रुपए इसीलिए चाहिए थे ताकि वो तुम्हें छोड़ दे और अपनी बच्ची को पाल सके। देखिए मैडम, हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, पिछले 4 पुश्तों से सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं। अगर हमारी लड़की पैदा हो जाती तो सारे खानदान के सामने, सारे समाज के सामने हमारी नाक कट जाती और लोग समझते कि हम नामर्द बुलाते उसे, है ना? नामर्द तो तुम हो, दुनिया के सबसे बड़े नामर्द। वो औरत तुमसे प्यार करती थी, 3 बार उसने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया, उसी को मार डाला। बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती, लेकिन आपको कौन समझाए? जितना कसूर इस कुणाल का है उतना ही आपका भी। माँ के नाम पे तो आप भी कलंक निकले। एक औरत से उसकी हंसी, उसकी खुशी, यहां तक कि उसकी जिंदगी भी छीन ली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी कोख में पल रही बेटी को इस दुनिया में आने का मौका देना चाहती थी। वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपनी सारी ममता उस पर न्योछावर करना चाहती थी। वो अपनी बच्ची को बताना चाहती थी कि वो इससे कितना प्यार करती है। लेकिन अफसोस, एक भेड़िए ने अपने झूठे अहंकार के चलते ना सिर्फ एक औरत की बल्कि एक अजन्मे बच्चे की जान ले ली। ये कहानी सिर्फ किरण की नहीं है, हमारे देश में हजारों ऐसी औरतें हैं जिन्हें बेटियों को जन्म देने के बाद शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि समाज बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, हमारा देश बदलना चाहिए, लेकिन समाज, लोग और देश को तो छोड़िए, हम अपनी खुद की सोच नहीं बदल पाते। सच्चाई तो यही है कि सृष्टि को चलाने के लिए जितनी पुरुषों की आवश्यकता होती है उतनी ही महिलाओं की भी होती है। जरा सा अगर संतुलन बिगड़ जाए तो ये संसार गर्त में जा सकता है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।